सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते।
निहितो ब्रह्मा जगदस्तो ऋषभसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तं नित्याङ्गितोद्धमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमस्तुते किरीटिणि महावक्षे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चिन्ते नारायणि नमस्तुते शिवज्योतिस्वरूपेण हरे च महाबले भोजरूपे महारावे नारायणि नमस्तुते दशाकरालवर्णे शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सत्ये पुष्टिसुते ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति वा भवितामसि नियते त्वं रसीदेशे नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते महिर्भस्त्राहिणो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्तेवर्णं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातुनः सर्वभेदेभ्यः कात्यायणि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालभद्रक्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाले नमोऽस्तुते हिणस्ति दैत्यतेजांसि ध्वनिना पूरया जगत् साखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरादिग्वसापङ्गजर्जितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय गर्गो भवतु चण्डिकैतामृतावयम् प्ररोगानयशान्नपहान्ति तुष्टा हृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितयाश्रयतां प्रयान्ति एतादृतं यत् करणं त्वयाद्य धर्माविषां देवि महासुराणाम् अरूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ति कृत्वाम्बिकेत प्रकरोऽधिकान्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकाद्वदन्याम् मम द्वगर्ते महान्धकारे विभ्रामयत्ते तदते भविष्याम् रक्षासि यत्रोग्रविशास्य नागा यत्रारोदास्य बलानि यत्र दावानरो यत्र कथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशया ये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनारभेदे नित्यं यथा दुर्वथा तथुणैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनितास्य महोपसर्गान् प्रणताणां प्रसीदत्वं देवि विश्वादिहरिणि ते लोक्यवासिनामिल्य लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं जन्मणस्य च्युत त्वं प्रणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावजुः सर्वापाः प्रशवणं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वयाकायमस्मव्यरिविनाशनम् देव्योवाच वैवस्वरेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशंहर्जीवान्यामुत्पद्येते महाधुरौ नन्दगोपगृहे यादाशोधागमसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथवीतले अवतीर्यः नेक्ष्यामि व्यप्रचित्ता सुदानवान् भक्षयन्ता च दाढोग्रा व्यप्रचित्ता महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दारमेकसमापमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः
उभन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च सभाषिक्यामणा वृष्ट्यामणंसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामियो निजा कदाशदेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मान्दः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः पानधारकैः शाकं हरेति विख्यातिं तदा यस्यामहं भवे तत्रैव जलभविष्यामि दुर्गमाख्या महाधुरम् दुर्गाजयति विख्यातं तमे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमरूपं कृत्वा हिमाचले रक्षान्ति भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मामुनयः सर्वे दोषं ध्यानं रमोदयः भीमादेवेति विख्यातं तमे नाम भविष्यति यदाक्षत्रे लोके महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा शङ्घेश पदम् त्रैलोक्यदाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेति च मां लोका तदा दोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधादानभोक्ता भविष्यति तदा तदावतीराहं करिष्यामि संशयाम् ॐ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम काम समप्रभा मृगपते स्कन्धाचितामेषणाम् कन्याभिः करवालखेट विरसत् हस्ताभिरा देविताम् हस्ते चक्रगदादिखेट विशिकाम् चापं गुणं तर्जनी ब्राह्मणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेः। ॐ दिव्युवाच एभिः सवैश्वमां नित्यं स्वच्छदेहा समाहितः तस्याहं सरलां वाणां नाशयिष्यामि संशयां मधुकेडवनाशं च महिषासुरघातनम् एतयिष्यन्ति एतत्त्वं शुम्भनि शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकदेशसः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् का तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न ते वेष्टवियोजनम् शत्रुद्रोणाभयं तस्य दस्युतो वानरायतः नाशत्रानलसो योगा कदा निस्सं भविष्यति तस्मान्ममेतं माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेनमित उपसर्गाणशेषान्तो महामारे समुद्भवान् तथा त्रिभिरमुत्पातं माहात्म्यं शमये मम यत्रेदपठ्यते सम्य नित्यमायातने मम सदा तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने भूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मे तज्जैलमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतम् बलिशिक्षाम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यां नमेदं माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतं महाभ्यं दधातोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं जगद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् हरिपवः संक्षयं जाते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं दुःसं महाभ्यं मम शेषदां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु रोगासु महाभ्यं शृणुया मम उपसर्गाः शमं जाते गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निषेदिष्टं दुःस्वप्नमुपजायते बालकः विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घादभेदे चरिणां मैत्रे करणमुत्तमम् दुर्वृत्तानाम् शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षोभूतविषादानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाघूपे च गन्धदीपे तदोत्तमैः विप्राणां भोजने होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदाने वत्सलेन या प्रीतिमेक्रियते तस्मिन् सकृदोचरितेषुले सुरं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मणाकीर्तनं मम युद्धेषु च तं जन्मे दुष्टसेत्यनिवर्हणम् तस्मिन् सुदेवैरिकृतं भयं मुंसां न जायते युष्माभिः सुदेवो याच ब्रह्म श्रीकृताः ब्रह्मणा च कृता सातो पयच्छन्ति श्वामदे अरण्ये प्रान्तरेवाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्य गृहीतो वाभिशत्रुभिः सिंहव्याख्यानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जागतो बद्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः बोधे महर्णवे पदसूचाभिशब्देषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वापाधासु घोरासु वेदनाभ्यञ्जितो विवा स्मरण्मे दर्जयितं दरोमुच्चेत सङ्कटात् मम प्रभावाद्दस्य बोधेरिणत्वसा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं नमः हरिशुवाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चरणविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवा निरासङ्गाः स्वाधिकारा यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रविनिहारयः दैत्याश्च दिव्या निहते शुम्भे देवरिपायते जगद्विध्वंसने तस्मै महाग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तन्मोय देवेश्वं देव विश्वं प्रसूयते सा जातिराज विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्यातन्दये तत्सकलं ब्रह्माणं मणुयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे देवशिष्टे भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकालेणां सेव लक्ष्मे वृद्धे पदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सुधा सम्बोधिता पुष्पे धूमगन्धादिविस्तथा ददाति वित्तं भूत्वा च मतिं धर्मे गतिं सुभान् अथ शुद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेण चण्डीलापः शुभो भवेत् नाकवचं नाकुला स्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् नासूत्रं नाभिधानं च नान्यासो न च वार्चणम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वते मारणमोहनं वश्यं सम्भनोजाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वाल ज्वालय प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ज्वल हं सं लं शं हं स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते वसुवर्धने नमः गैडवहारिण्य नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भहन्ते जडशुम्भासुरघातुणे जागृतं हि महादेवे जपं सिद्धं गुरुश्रमे ऐङ्कारे सृष्टिरूपाय ऋङ्कारे प्रतिपादिका ऋङ्कारे कामरूपिण्य वेदरूपे नमस्तु ते चामुण्डादण्डघातिलयेकारे वरदायिणे विच्चाभयदानित्यं नमस्ते बन्धरूपिणि ह्रूयदेह पत्नि वां वे भौ वागधीश्वरि ह्रां क्लीं ग्रौं गालिका देवि शां श्रीं शुमेशुभङ्गुर हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 भणादिणि ह्रां ह्रीं भौं भैरवेवत्रे भवान्ये नमो नमः अङ्गं डं 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 ब्रं यं षं वीं गुं ऐं वीं हं षं धियादं धियादं त्रोरे त्रोरे दीपं गुरुकुरु स्वाहा पां वीं पुं पार्वती पूर्णं खां ह्रीं घुं घे जरे तथा सां चें सुं सप्तशती दिव्या मन्त्रसिद्धिं गुरुश्रुमे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपिनं रक्ष पार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवी हीडां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिम् अरण्ये रोदनं यथा ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आपोद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वञ्चपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीन्द्राहिदुर्गे नमस्ते जगत् समानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीन्द्राहिदुर्गे अनादर्य दीनाचुनगणानुरस्य भयादर्य भेदस्य बद्धस्य जन्तोः स्वमेकागतिर्देविनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि ब्राहिदुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते स्वमेकागतिर्देविनिस्तारहेतये नमस्ते जगत्तारिणि प्राहि दुर्गे अपारे महालोत्तरे चन्द्रघोरे विपत्सागरे भजतां देहभाजां स्वमेकागतिर्देविनिस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि प्राहि दुर्गे नमश्चन्द्रिके चन्द्रदुर्गाण्डलीला समुद्रान्दिता काण्डलाशेषशत्रोः
Bye.
अभी सभी भक्त जन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान
सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षय के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सचिया जोतां वाली माता, जयकारा शेरां वाली जीदा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेशी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को अपने प्रति रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, में विशेष विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीशी हो। आधार भूता जगत स्वमेका, मही स्वरूप जदा स्थितासी, अपाम स्वरूप स्थित आप्याते कृष्ण मलंग वीर। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है, तुम्हें जल रूप में स्थित होकर समूह जल को तृप्त करती हो। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, विश्वस्य बीजम परमासी माया, सम्मोहितम देवी समस्त में तुम देवी प्रसन्ना मुक्ति हेतु। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस जगत को मोहित कर रखा है, तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता तव देव भेदा, त्रया समस्ता सगला जगत्सु, त्वरे क्या पूरी तमं भजेतत, काते स्तुति सभ्य परापरोक्ति। देवी समूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को धारण कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का वासंतिक नवरात्रों की इस नवमी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अष्टमी 11:42 तक थी, तत्पश्चात नवमी थी, अतः दुर्गाष्टमी तथा रामनवमी का दोनों का महत्व आज आपको प्राप्त हो रहा है। आज दुर्गा के 9 रूपों में माता जी का अष्टमा स्वरूप जो है महागौरी जी के दर्शन भक्ति कर रहे हैं। जिस प्रकार नाम से विदित है महागौरी, अर्थात इनका जो वर्ण है, इनका रंग है, अति गौर है, गोरा रंग है, और इस गौर वर्ण की उपमा कुंद के पुष्प शंख से की जाती है। इनके सभी वस्त्र तथा आभूषण श्वेत वर्ण के हैं, इनका वाहन वृषभ है, और अष्ट वर्षात भवेत गौरी, गौरी की माता की अवस्था 8 वर्ष की दिखाई गई है। इन्होंने अपने पार्वती रूप में शंकर जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और इनका जो प्रण था, संकल्प था कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहूं शंभु ना तो रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म से हमारी ये लगन लगी है कि हम वरण करेंगी तो भगवान शंभु का करेंगी, नहीं तो कुआरी रहेंगी। और जन्म जन्म में अपनी तपस्या द्वारा ने शंकर जी को प्राप्त किया, और इस घोर तपस्या से इनका रंग काला पड़ गया था। जब शंकर भगवान ने ऐसा देखा और गंगा के जल से इनको स्नान कराया, तो इनकी मैल को धोया, तो इनका गौरवन जो गोरा रंग निकला, जिससे इनको महागौरी के नाम से पुकारा गया। आज के दिन भक्त जन इनकी आराधना करके अपने सभी कलमशों को धो डालते हैं, सभी पापों को धो डालते हैं, और उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज माता जी के जो नौमे रूप के भक्तजन दर्शन कर रहे हैं, और माता जी का नौमा रूप जो है जो सिद्धि दाती का है, आज भक्तजन सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनकी जो 9 दिन की साधना है वो संपूर्ण होती है और उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। मार्कंडे पुराण में 8 सिद्धियां बताई गई हैं, और शंकर भगवान जी ने देवी भाग बताया गया है कि
अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के इन्हीं की आराधना की थी, जिससे इनको जो देवी की इनका जो शरीर था आधा देवी का हुआ, इसे से ये अर्धनारीश्वरी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए और सिद्धियां प्राप्त करके अपने जन्म को इन्होंने भी सफल किया। क्योंकि देवी की जो शक्ति है उसी से शिव सार्थक हुए हैं। शिव में जो इकार है यही शक्ति स्वरूप कुंडली है, देवी स्वरूप है। यदि हम इस इकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं शव रह जाते हैं, अर्थात इन्हीं के शक्ति के द्वारा ही शिव शक्ति संपन्न हुए हैं। आज चैत्र नवमी की मध्यान्ह व्यापनी को रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए आपको आज रामनवमी के व्रत का महात्म्य प्राप्त होता है। अखिल ब्रह्मांड नायक रामचंद्र जी ने दुराचारियों के अत्याचार से संतप्त पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त किया और इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नवरात्रों में इन्हीं दुर्गा माता की आराधना की थी। तब माता जी ने अपनी शक्ति से इनके प्रेरित करके इनको जो है शक्ति संबंध बनाया था। इन्हीं आश्विन नवरात्रों में एवं वासंती नवरात्रों में जो राम जी ने दुर्गा माता की आराधना की थी और माता ने कहा था कि ये सभी जो वानर हैं ये देवताओं के अंश हैं और आपके छोटे भाई लक्ष्मण जो शेषनाग का अवतार हैं ये मेघनाथ का वध करेंगे। आपने ही माता ने कहा कि मत्स्य रूप धारण करके जो वेदों का उद्धार किया था, वरा रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था, कश्यप रूप धारण करके जो देवता को अमृत पान करवाया था और तब माता ने कहा कि मेरी शक्ति से संपन्न होकर के आपने अजवंश में जन्म लिया है और आप रावण का वध करेंगे और इनकी प्रेरणा से शक्ति से प्रेरित होकर के राम जी ने सेतु बांध करके लंका में जो रावण का परिवार से वध करके सीता को वापस लाया था। ये नवरात्र व्रत ही थे। आज आपने अपने व्रतों का समापन किया है। कई भक्तियां कल व्रत खोलेंगे और शाखा का विसर्जन भी आपने आज ही किया है क्योंकि कल दशमी होगी और साथ में रविवार भी होगा जो शाखा विसर्जन के लिए जो प्रशस्त नहीं है। यदि कुछ भक्त यहाँ रह भी गए हों तो वो इतवार से पहले अर्थात तारों की छाया में ही शाखा प्रवाहित कर सकते हैं क्योंकि सूर्य निकलने के बाद रविवार हो जाएगा। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आज इन वासंती रातों में माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तीनों महाशक्तियां आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुहा में विराजमान होती हैं। आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बहरी हैं जिसमें आप स्नान करते हैं चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरदहस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है और सामने शंकर भगवान शिव रूप में विराजमान। इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभी प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाले जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त
सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता भेंट में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जयकारा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। धोबी मैले कपड़े धोता, धोबी मैले कपड़े धोता, धोबी मैले कपड़े धोता, धोबी मैले कपड़े धोता, मैले दिल तू धोएगी, मैले दिल तू धोएगी, मैले दिल तू धोएगी, मैले दिल तू धोएगी। ओ माँ मेरी चौरासी कट जाएगी, दया तेरी जब होएगी माँ, मेरी चौरासी कट जाएगी, दया तेरी जब होएगी। मालिन बन के तू धरती में, 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 बीज ज्ञान के बोएगी, ज्ञान के बोएगी, बीज ज्ञान के बोएगी, बीज ज्ञान के बोएगी। ओ माँ मेरी चौरासी कट जाएगी, दया तेरी जब होएगी माँ, मेरी चौरासी कट जाएगी, दया तेरी जब होएगी माँ, मेरी चौरासी कट जाएगी, दया तेरी जब होएगी माँ, चौरासी कट जाएगी, दया तेरी जब होगी। धोबी मैले कपड़े धोता, धोबी मैले कपड़े धोता, धोबी मैले कपड़े धोता, धोबी मैले कपड़े धोता। देवता कहते हैं तेरा नाम है मान सरोवर,
नाथ भी देवता कहते हैं। ओम तेरा नाम मेहमान सरोवर सभी देवता कहते हैं। तेरा नाम मेहमान सरोवर सभी देवता कहते हैं। उमा श्रद्धा हंस के लगन भवानी यहाँ पे मोती चुगते हैं। श्रद्धा लगन के हंस भवानी यहाँ पे मोती चुगते हैं। कामधेनु है पास तुम्हारे जग को दूध पिलाती माँ। कामधेनु है पास तुम्हारे जग को दूध पिलाती माँ। तेरी कृपा मई नजर से तर गए पापी दुनिया माँ। तेरी कृपा मई नजर से तर गए पापी दुनिया माँ। वो अब भी मेरे लिए तू माता, मेरे लिए तू माता। अब भी मेरे लिए तू माता, अब भी मेरे लिए तू माता। ओ ममता पुष्प परोएगी, ओ ममता पुष्प परोएगी, ममता पुष्प परोएगी, ममता पुष्प परोएगी। उमा मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। उमा मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। धोबी मैंने कपड़े धोता, धोबी मैंने कपड़े धोता, धोबी मैंने कपड़े धोता, मैंने कपड़े धोता। जो भी भक्त तेरी भक्ति करते तुम्हें न कभी भुलाते हैं। जो भी भक्त तेरी भक्ति करते तुम्हें न कभी भुलाते हैं। जो भी भक्त तेरी भक्ति करते तुम्हें न कभी भुलाते हैं। जो भी भक्त तेरी भक्ति करते तुम्हें न कभी भुलाते हैं। उनकी कुटिया की जगह पर शीश महल बन जाते हैं। उनकी कुटिया की जगह पर शीश महल बन जाते हैं। मुझे भी तुम पर बड़ा भरोसा, बिगड़े काम बना दोगी। मुझे भी तुम पर बड़ा भरोसा, बिगड़े काम बना दोगी। ओ कभी फटकने तुम ना दोगी, मंजिल तक पहुंचा दोगी। ओ कभी भटकने तुम ना दोगी, मंजिल तक पहुंचा दोगी। ओ व्याकुल बच्चा जब तक जागे, व्याकुल बच्चा जब तक जागे, व्याकुल बच्चा जब तक जागे, व्याकुल बच्चा जब तक जागे। आज तू भी माना सोएगी, तू भी माना सोएगी, तू भी माना सोएगी। उमा मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। उमा मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। मालिन बन के तू धरती में, मालिन बन के तू धरती में, मालिन बन के तू धरती में, मालिन बन के तू धरती में। हाँ बीज ज्ञान के बोएगी, बीज ज्ञान के बोएगी, हाँ बीज ज्ञान के बोएगी, बीज ज्ञान के बोएगी। मेरी चौरासी कट जाएगी दया तेरी जब होएगी। 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 दया तेरी जब होएगी, दया तेरी जब होएगी। दया तेरी जब होएगी, दया तेरी जब होएगी, दया तेरी जब होएगी। जयकारा श्री वल्लभ जी का, बोल सच्चे दरबार की जय।
एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। तू दाती मदाता वंडे तेरे चरनी खड़ा सवाली खाली सामा मैं लेके आया नीमा मेरा अजे भी पलड़ा खाली नीमा मेरा अजे भी पलड़ा खाली शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी से बचड़े ते छा ममता दी करी से बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नू झुकावा दे दे प्यार दातिए कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मैनू पवना च रख सेवादार दातिए पवना च रख सेवादार दातिए ओ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा ममता दी करी इस बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नु झुकावा दे दे प्यार दातिए कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मनु पवना च रख सेवादार दातिए पवना च रख सेवादार दातिए शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा दाती मनाव तेरे रंग विच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना दाती मनाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ गया सारा जीवे अंबरा चुतारा ना दे पार दातिए कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मैनु पवना च रख सेवादार दातिए पवना च रख सेवादार दातिए शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा ममता दी करी इस बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नु झुकावा दे दे प्यार दातिए कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मैनू पवना च रख सेवादार दातिए पवना च रख सेवादार दातिए शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा पवना च रख कर देवी उपकार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ पवन च रख कर देवी उपकार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ जग वेख लिया सारा माए वेखना नजारा ले जा द्वार दातिए कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मनु पवना च रख सेवादार दातिए ओ पवना च रख सेवादार दातिए शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ
ममता दी करी इस बचड़े ते छा ममता दी करी इस बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नु झुका मत दे चार दाती कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मधु पवना ते रख सेवादार दाती ओ पवना ते रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा असा तेरे चरनी प्रीत पाया सचिया कर दे उड़ी कमाए थक गया अखिया कर के उड़ी कमाए थक गया अखिया कर के उड़ी कमाए थक गया अखिया असा तेरे चरनी प्रीत पाया सचिया कर दे उड़ी कमाए थक गया अखिया कर के उड़ी कमाए थक गया अखिया कर के उड़ी कमाए थक गया अखिया प्यार दा हुलारा तेरा लाल मैं प्यारा ना विसार दाती है कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मैंने पवना च रख सेवादार दाती है पवना च रख सेवादार दाती है शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा ममता दी करी इस बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नु झुका मत दे प्यार दाती है कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मनु पवना च रख सेवादार दाती है पवना च रख सेवादार दाती है पवन च रख सेवादार दादिए पवन च रख सेवादार दादिए ओ जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो ओ जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो ओ जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो भक्त जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो भक्त जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो भक्त जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो 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 सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोलो सच्चे दरबार की जय एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जय करो श्री रामानी बोल सच्चे दरबार की जय चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है करो दर्शन भवानी के जो मुन दुनिया की नाई है करो दर्शन भवानी के जो कुल दुनिया की माई है चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है फिर टोली बना करके भजा कांधे सजा करके फिर टोली बना करके भजा कांधे सजा करके फिर टोली बना करके एक टोली बना करके सजा खाने सजा करके उठो गणपत मना करके इसी में ही भलाई है उठो गणपत मना करके इसी में ही भलाई है चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है करो दर्शन भवानी के जो
फुल दुनिया की माई है। करो दर्शन भवानी के जो कुल दुनिया की माई है। उठो अब तलब गारो कमर बांधो चलो प्यारो। 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 समय कह रहा यारो वो सब पैगाम लाए हैं। समय ये कह रहा यारो वो सब पैगाम लाए हैं। चलो दरबार दाते के भवन की चाहने आए रहो। चलो दरबार दाते के भवन की चाहने आए रहो। दर्शन भवाने के जो पूरी दुनिया की माई कुल दुनिया की माए। बुलाया आज उस्माने जिसे पूजा है दुनिया ने। बुलाया आज उस्माने जिसे पूजा है दुनिया ने। बुलाया आज उस्माने जिसे पूजा है दुनिया में। बुलाया आज उस्माने जिसे पूजा है दुनिया ने। चलो भक्तों दर्श पाने घड़ी शुभ आज आई है। चलो भक्तो दर्श पाने घड़ी शुभ आज आई है। चलो दरबार दाते के भवन की चाहने आई है। चलो दरबार दाते के भवन की चाहने आई है। करो दर्शन भवाने के जो पूर दुनिया के माई है। करो दर्शन भवाने के जो कुल दुनिया की माए है। चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है। चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है। दरबार दाते के भवन की चाहल आई है। चलो दरबार दाते के भवन की चाहल आई है। जय करो श्री बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरों वाली जी का। दरबार की जय। शेरों वाली माँ मेहरों वाली माँ माँ जोतों वाली माँ माँ लाटों वाली माँ माँ हो रही जय जय का मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जय का मैया जी तेरे मंदिरों में। माँ हो रही जय जय का मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जय का मैया जी तेरे मंदिरों में। फूलों की आई है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। फूलों की आई है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। फूलों की आई है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। फूलों की आई है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। ओ भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में। ओ भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में। माँ भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में। सवार माता ज्वाला देवी आ गई। सवार माता ज्वाला
देवी आ गई। शेर पे सवार माता ज्वाला देवी आ गई। शेर पे सवार माता ज्वाला देवी आ गई। ओ ज्वाला देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। ज्वाला देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। ओ ज्वाला देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। ज्वाला देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। जो तो का हुआ चमत्कार मैया जी तेरे मंदिरों में। जो तो का हुआ चमत्कार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। शेर पे सवार माता चिंतपूर्णी आ गई। 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 वो चिंतपूर्णी आ गई माँ दर्श दिखा गई। चिंतपूर्णी आ गई माँ दर्श दिखा गई। भक्त भी करते पुकार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्त भी करते पुकार मैया जी तेरे मंदिरों में। वो फूलों की आई है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। फूलों की आई है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। फूलों की आई है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। फूलों की आई है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। वो शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई। 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 वो मनसा देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। मनसा देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। भक्तों का होता है उधार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्तों का होता है उधार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही हो रही हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में। ओ शेर पे सवार माता नैना देवी आ गई। 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 ओ नैना देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। नैना देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। होते भगत माला माल मैया जी तेरे मंदिरों में। होते भगत माला माल मैया जी तेरे मंदिरों में। पाओ रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। वो शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई। शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई। सवार माता शेरों वाली आ गई। शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई। वो शेरों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई। शेरों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई। भक्तों पे होता उपकार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्तों पे होता उपकार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। वो फूलों की लगी है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। फूलों की लगी है बहार मैया जी तेरे मंदिरों में। वो शेर पे सवार माता महाकाली आ गई। शेर पे सवार माता महाकाली आ गई। शेर पे सवार माता माला काली आ गई। शेर पे सवार माता
महाकाली आ गई, ओ महाकाली आ गई दर्श दिखा गई, ओ महाकाली आ गई दर्श दिखा गई, ओ महाकाली आ गई माँ दर्श दिखा गई, महाकाली आ गई माँ दर्श दिखा गई। दुष्टों का करे वो सहार मैया जी तेरे मंदिरों में, दुष्टों का करे जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, वो फूलों की छाई है बाहर मैया जी तेरे मंदिरों में माँ, फूलों की छाई है बाहर मैया जी तेरे मंदिरों में, वो शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, वो शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, वो जोतों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई, जोतों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई, वो लाटों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई, आ गई माँ दर्श दिखा गई, वो मिटता है सब अंधकार मैया जी तेरे मंदिरों में, मिटता है सब अंधकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में, भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही हो रही हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, जयकारा शेरों वाली जी का दरबार की जय। सांझ पे इनी दिन छुप गया निमा, सांझ पे इनी दिन छुप गया निमा, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती तेरी आरती दिमाग आहे
सती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा अगर कपूर पावा जोत मंदिर आरती मुकुटा बंदेरविंद सीता सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीता बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज वासंत नवरात्रों की दुर्गाष्टमी तथा रामनवमी के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को
भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्दतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ जज्ञेहि कृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जायमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव चीर्वर्चस्य आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भवपुत्रलाभं सत्संवत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता की आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल ध्यावत मैया जी को ध्यावत हरि ब्रह्मा ओम जय भागत सौरभ राज जी को मृग मद को मैया जी को मृग मद को ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना कनक समान चले पर राजे मैया रामर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कर्तन पर ओम जय अम्बे गौरी गुर नर मुनि जन सेवत गुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल गोरी माता के मोती हो मैया नागा के मोती चंद्र दिवाकर कोटि चंद्र दिवाकर राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सुंदर सुंदर गात महिषा सुर गाती मैया महिषा सुर गाती चन नैना घूम्र विलोचन नैना विषण नमगमा ओम जय अम्बे चंड मुंड संहार शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे गुर भय न करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रार तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी
करता ओम जय अम्बे गौरी उदासार परमोदारी भैया परमोदारी वनवांचित फल पाव वनवांचित फल पाव सेवक नर ओम जय अम्बे अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतन जो ओम पे अम्बे गौरी अम्बे दुखियार जो कोई सित गावे मैया प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी गात हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय रामा गौरी ओ मैया जय मंगल करनी ओ मैया जय आनंद करनी मैया जी को नित दिन जावत हरि अम्बा शिव ओम जय अम्बे गौरी सखियां जोतां वाली माता तेरी सदा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे तत्पश्चात माता जी आरती होगी आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना प्रेम से बोलो जय माता दी 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 दुनिया भर जय माता दी 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 हाथी बोलो जय माता दी ताली बजा के जय माता दी जोतां वाली जय माता दी लाटां वाली जय माता दी चूड़ियां वाली जय माता दी चूड़ियां वाली जय माता दी चूड़ियां वाली जय माता दी हारां वाली जय माता दी सिंगारां वाली जय माता दी सखियां वाली जय माता दी सखियां वाली जय माता दी हारां वाली जय माता दी भवनां वाली जय माता दी शेरां वाली जय माता दी गुफा वाली जय माता दी हाथ जय माता दी रब कल्याण जय माता दी महारानी जय माता दी चंडीरानी जय माता दी वैष्णोदेवी जय माता दी महाकाली जय माता दी छप्पर वाली जय माता दी शक्तिजन जय माता दी भक्ति कल्याण जय माता दी भक्ति प्यारी जय माता दी हरे कल्याण जय माता दी सोलाया जय माता दी सरस्वती जय माता दी पंचद्वारी जय माता दी विद्याधन जय माता दी ज्ञान नदी जय माता दी बुद्धि नदी जय माता दी भक्ति नदी जय माता दी जय जय अम्बे 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 जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तगण दोनों हाथ जोड़ करके माता जी चरणों में प्रार्थना करेंगे ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा जय माता दी Thank you.
Thank you.
हस्ते प्रसन्नागनो सेवे सर्वमर्दनी महालक्ष्मी सरोजस्य कण्ठाजोलहलानि सङ्गमुदले सर्वमनोदायको हस्ताब्जे दर्जे ब्रह्मान्तमिदत जकर शेरावाली जी दा अज बहुत जोर जोर की आ रही है। सभी ने व्रत खोल दिए। लेकिन जे मैंने ऐसे ही बोला आपकी आवाज आ रही है अपनी बात सुनाने के लिए। आवाज कुछ नहीं आई थी आपकी, ज्यादा खा लिया था। आज का दिन अष्टमी और नवमी इकट्ठी थी, सबको मालूम है। अभी रामनवमी के दिन भगवती माता रानी जी का ढेर सारा आशीर्वाद। हमने कितने दिन से इंतजार था, 6 महीने का। नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, होके चले भी गए, पता भी नहीं चला कब आए कब गए। क्योंकि
क्योंकि जो चीज बहुत अच्छी लगती है ना, जो दिलों के अंदर घुसी होती है ना, उनके साथ वक्त बिताते हुए पता भी नहीं चलता कि कैसे वो वक्त निकल भी गया। नवरात्रे हो भी गए, रोज मां से मिलते थे, मां को भोग खिलाते थे, मां को रिझाते थे, मन मन में मां से बात करते थे, शिकवा करते थे, शिकायत करते थे, कुछ मांगते थे उससे। लेकिन वो तो ऐसे पता ही नहीं चला कब दिन निकल गए। मां घर आई, आशीर्वाद दे के चली भी गई। ऐसी आदत बना के गई कि अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मां तेरे बिना जीना सीखा नहीं, जहां जो कहे कि तूने हमें सिखाया ही नहीं, तेरा प्यार ही इतना था, अब तो हमें तेरी आदत हो गई, अब हम क्या करें। आप आए थे, आप चले गए, लेकिन वो प्यार जो आप हमें देख के गई, वो जो लगन आप हमें देख के गई, अब हम किससे बातें करेंगे, किसको रिझाएंगे, किसको मनाएंगे। हम सोते थे तो तेरी यादें जगा देती थी कि कहीं उठना है, पाठ करना है, जो जलानी है, देर तो नहीं हो गई। जागे होते थे तो तब भी उसकी यादें आती थी। ऐसा इसका करिश्मा, सब कुछ भूल के। आप सभी भूल रही हो तभी आप मां के पास आयो इस विश्वास के साथ। आज श्राइन बोर्ड ने आपकी खुशियों के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, पूरे भारतवर्ष की तरक्की के लिए ये जो सचंडी महायज्ञ यहां संपन्न हुआ, मैं आपकी ओर से, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं जी आपका श्राइन बोर्ड है जी, आपका इसलिए है जहां हर रोज आपके लिए ही अरदास होती है। आप आओगे तब भी, आप ना आओगे तब भी, आपकी खुशियों की अभिलाषा हमेशा आपका श्राइन बोर्ड आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। इस बधाई के वो पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। सुबह भी मैंने बोला, अब फिर बोलूंगा, जो भी जहां पर ड्यूटी करके गए हैं, जहां ड्यूटी अभी कर रहे हैं, जिनको मां ने जिस सेवा का मौका दिया है, मां उनको इतनी खुशियां दे, उनके परिवार को इतनी तरक्की दे, उनके बच्चों को इतना मान, जश और पढ़ाइयों में उत्तीर्ण बनाए कि बोझ जैसे उनके माता पिता देश के काम आ रहे हैं, बच्चे भी ऐसे उन्नति और तरक्की करें, ताकि वो तन मन से अपने श्राइन बोर्ड, आपके श्राइन बोर्ड को ऊंची ऊंची ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। जी मैं मां से आशीर्वाद मांगूंगा, लेकिन बात वही थी कि हम करें क्या। मां आदतों आप बना गई, थोड़े दिन रह के फिर उसी तरह जिंदगी चल पड़ेगी, लेकिन ये जो थोड़े दिन भी आपके बगैर गुजारना मुश्किल है, क्योंकि मां हम उठते थे, जागते थे, सोते थे, घर से जब मां का प्रोग्राम बना के चले भवन जा रहे हैं, तब भी तेरी यादें थी, जहां बैठे हुए हैं तब भी उसी की यादें कि कब पुजारी जी माइक छोड़ेंगे, हम गुफा में मां से मिलने जाएंगे। कितना उतावलापन दिल में है, आपकी थकावट मुझे भी मालूम हो रही है, बहुत देर हो गया आपको बैठे हुए, लेकिन जगत जननी ये जो आपने जहां पर तप किया है ना, इसका आपको कुछ ना कुछ बहुत जरूर देगी। मैं तो मां से, हम जैसे आरती करके आते थे, हवन करने, पूजन करने, पाठ करने, अब सब
वही रूटीन जो मां ने जिंदगी में दी है, लेकिन वो आदत बन गई जो हम सारे जने हम मां के बिना नहीं रह सकते। आपके घर में जब आप मां बैठाई हुई है, आप भी आपकी भी आदत ऐसी बन गई थी। सभी दो मिनट के लिए, मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, सैनू तेरी आदत पै गई है। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, सैनू तेरी आदत पै गई है। जुदाइयां सह नहीं सकदा मां, सैनू तेरी आदत पै गई। मतलब आदत ऐसी पड़ गई हमें कि ना जुदाइयां सह सकते हैं, याद ही उसी की आती रहती है। सोते जागते वही, सोते थे वो जगा देती थी। जे मैं सोमा ते जगा दिया ने तेरी आजादा, जे मैं सोमा ते जगा दिया ने तेरी आजादा, जे मैं जागा ते सता दिया ने तेरी आजादा। मतलब तेरी यादें आती रहती हैं दिल जी। ये मां ऐसा ही प्यार हमें देते रहना, हम तो अगले 6 महीने की गारंटी तेरे से मांगते हैं। जो ये जो 6 महीने का फल, इसलिए पूरी उम्र का नहीं, पूरी उम्र में बन गए तो फिर तो अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है। मां 6 महीने का, अगले 6 महीने की गारंटी ये जो सेवा दी अब तेरी है। खुशियां लहरें सब तेरी है, तूने देनी है, क्योंकि जो कुछ भी मिला हमें वो इधर से मिला। वो मैं 6 महीने इसलिए कह रहा हूं ताकि मां हम सबके कर्म भी तो देखेगी, अगले 6 महीनों का फैसला वो फिर करेगी कि कर्म कैसे हैं, उसी तरह से आपकी झोलियां भी भरी जाएंगी। लेकिन जब भी हम मां के पास आते हैं, मेरा तजुर्बा यही है, जो भी मिला इस मां से मिला, वो मान वो सम्मान वो मेरे श्राइन का प्यार, आप सबका प्यार, ये सब मुझे इस गुफा से मिला। अपना कुछ नहीं था, कोई औकात नहीं ऐसी कि जगत जननी हमें गले लगाए, लेकिन मालूम नहीं उसने आप सबका प्यार देखते हुए या आप सबकी प्रार्थना देखते हुए ये सेवा का मौका दिया। और मैं तो अपनी सेवा में आप सबकी खुशियों के लिए यही मांगता हूं, अपने देश की उन्नति के लिए मांगता हूं कि माता रानी अच्छे अच्छे शासक आए। ये जो नवरात्रे हुए हमारे देश की लक्षणें चल रही हैं, मां हमें सद्बुद्धि देना कि जब हम वो फैसला करने जाएं तो तेरे हुए चुने हुए चुनिंदे ही सरकार में आए, ताकि जो देश को ऊंची ऊंची बुलंदियों तक लेके जाए, हमारे भारतवर्ष को। मुझे माता रानी से यही मांगना है मां, ताकि जो भी हो जो कर्म करेगा अच्छा वही मां उसको फल देगी। मुझे तो जो मिला इससे मिला, तो मेरा मानना भी यही है कि शायद आपको भी जो मिला होगा ना इसी से मिला होगा, तभी तो हम इसके पास आते हैं, तभी तो हम दूसरों को बताते हैं जिनको दुख होते हैं। कोई आता है जो नहीं गया, कह मैं वैष्णो देवी नहीं गया हूं, क्यों मां ने नहीं बुलाया? और आप देखो मां आपको कितनी जल्दी जल्दी बिना लेटर बिना पोस्ट बिना टेलीफोन बिना किसी भी नेट के
आपके दिलों में आत्मा से होते हुए आपके दिल के अंदर से बुलावा आता है, मां बुला रही है। ऐसा आपकी मां के साथ कनेक्शन है। आप जे कनेक्शन अपनी मां के साथ बना के रखना, अपने शुद्ध विचार, अच्छे विचार, अच्छा सुधार कुछ आप चाहते हो, आप अपने श्राइन के साथ शेयर करना, ताकि अगर आपको किसी जाने अनजाने में कोई तकलीफ हुई हो किसी को, अगर उसमें वो सुधार चाहता हो, आप श्राइन बोर्ड हमेशा आपकी सेवा के लिए बैठा हुआ, कहीं भी जाइएगा ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आप देखिएगा रास्ते में 24 आवर सर्विस श्राइन बोर्ड की आपकी सेवा के लिए बैठी है विद नंबर के साथ। ऐसा नहीं है, आप सेवा मन से अपनी मां को जिस विश्वास से आप जहां पर आए हुए हैं, मेरा विश्वास है जो मुझे मां देती है, मुझे सब कुछ इसने इसी गुफा से दिया। सब कुछ मुझे मिला है मैया तेरी गुफा से, सब कुछ मुझे मिला है मैया तेरी गुफा में, सब कुछ मुझे मिला है मैया तेरी गुफा में, किस चीज की कमी है मैया तेरी गुफा में, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मां एक ही चीज मांगते हैं, तेरे से नवरात्रों के उपलक्ष में यही मांगूंगा आपके लिए भी अपने लिए भी, किस चीज की कमी है मैया तेरी गुफा, किस चीज की कमी है मैया तेरी गुफा में, बीत जाए जे हमारी जिंदगी तेरी गुफा में, बीत जाए जे हमारी जिंदगी तेरी गुफा में, यही तमन्ना है। जो भी सांस आखिरी मां तेरे साथ, तू ही संभालना। आप सबको आज का दिन, आपको पूरे भारतवर्ष को, पूरे ब्रह्मांड के लिए मां से आशीर्वाद लेता हुआ आपका जयकारा ऐसा गूंजे कि मालूम चले कि जहां बैठने का क्या फायदा है, कैसी आवाज निकलती है, ऐसी आवाज कहां से आई। पूरे भारतवर्ष में आरती के समय जहां भी हो ऐसी आवाज निकले, जब आरती का समय कोई पूछने की जरूरत भी नहीं पड़े, घड़ियां लोग मिलाने लगे, लेकिन मेरे समय घड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए सभी मिलके और लहर से सभी को आरती का आनंद आया, थोड़े थोड़े को आया, किसी किसी को आया, किसी को। मुझे लगता है जब आनंद आता है ना, जहां शायद आपको थोड़ा ध्यान आगे पीछे रहा होगा, कम आ गया, सभी को आरती का आनंद आया, यही आनंद आपको आए। आज पहचान बना लो, जहां से जब घर जाओगे तो वहां से पहचान मां खुद कर लेगी। पूरी जोर के साथ, दिल के साथ मिलके एक ऐसी लहर के साथ, ऐसी हवा में लहराता हुआ जयकारा, बोलो सच्चे दरबार की। आहा, कैसी सुंदर लहर। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।